नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी की वैकेंसी जारी कर दी गई है और 14 तारीख से इसके आवेदन भी प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब किसी चीज़ की नोटिफिकेशन आती है तो बच्चा इस बात के लिए सबसे ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर कौन सा हम कोर्स खरीदें, कहाँ से जुड़ें, कहाँ से अपनी तैयारी प्रारंभ करें। देखिए, मैं सीधे शब्दों में बोलूं कि दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक ऐसा बच्चा होता है जो लगातार पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा होता है, वो ये सोचता है कि हमें केवल प्रैक्टिस का कहीं मिल जाए तो हम अपनी तैयारी बेहतर बना लेंगे। लेकिन ऐसा भी बच्चा होता है जो फ्रेशर बच्चा होता है, क्योंकि हर बच्चा बोल सकते हो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, पिछले 3-4 साल से तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि एनटीपीसी में दो कैटेगरीज की आपकी जॉब हैं। एक आपके 12th लेवल पे आता है, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। तो जो बच्चा जस्ट 12th पास है जिसे नौकरी की आवश्यकता है, जो बच्चा ग्रेजुएशन पास है जिसे नौकरी की आवश्यकता है, अब वो बच्चा उन बच्चों से कॉम्पिटिशन करेगा जो पिछले 3-4 साल से तैयारी है। तो केवल सेल्फ स्टडी से मेरे ख्याल से उसकी तैयारी पूर्ण नहीं हो पाएगी और यहीं पर बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी तैयारी को एक मार्गदर्शन के अंदर, एक दिशा निर्देश के अंदर आपको अपनी तैयारी करनी है। आपको वो समझना है कि जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मौजूदा माहौल में कैसे चीज़ें बदल जाती हैं, कैसे नई चीज़ें आती हैं, कैसे कौन एजेंसीज होती हैं, कौन नए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की नई विधियां क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि आज के समय में परीक्षा में सफल होना केवल पढ़ाई से अगर सफल होना होता तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है जितने नंबर भर की सीटें होती हैं। या आप बोल सकते हो कि किसी भी वैकेंसीज में टॉप 1% ले लिया जाए, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी 99% बच्चे दोबारा से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये आपको चुनना है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, उस टॉप 1% के सिलेक्शन वाले में, या फिर वो 99% में जाना चाहते हो जिन्हें फिर दोबारा तैयारी करना पड़े और 3-4 साल बाद वो फिर आप ये कहो कि मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, या आप पहले अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो। हर बच्चा पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना चाहता है और इस कारण से आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि रणनीति बहुत बेहतर होनी चाहिए। आपके पास जब जिस चीज़ से तैयारी कर रहे हो, जो कंटेंट आपके पास है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। जो आपके टीचर हैं, जो आपके अध्यापक हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और उसी वैकेंसी से आपके बोल सकते हो कि डेडिकेटेड आपकी तैयारी करा रहे हों, वैसे टीचर होने चाहिए, एक डेडिकेटेड संस्थान होना चाहिए। और ऐसे अगर आपको मिलता है तो यकीनन अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो और आप कितने डेडिकेशन से लगे रहते हो, और यही आपको सिलेक्शन दिला देता है, यही सफलता दिला देती है। तो रेलवे में एक बहुत बड़ा अवसर है टेक्निकल पद पर भी, जैसे ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, JEE हो गया, इन पर वैकेंसीज निकल चुकी हैं। रेलवे के RPF कैटेगरी में भी वैकेंसीज निकल चुकी हैं, साथ में अगर बात किया जाए तो पैरामेडिकल कैटेगरी में भी निकल चुकी हैं, और अब अंततः NTPC भी आ गई है। इस वर्ष में एक वैकेंसी और बची है, वो ग्रुप डी बची है। तो इन सारी वैकेंसीज की तैयारी करने के लिए टीम परीक्षा प्लस आपके लिए मात्र ₹199 में बहुत बेहतरीन क्लासेस लेके आई है। इसमें आपको सारी किताबें मिलेंगी, सारे PDF मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे और सब कुछ आपको दिया जा रहा है। ये बैच एक तरीके से देखा जाए तो फ्री बैच है, क्योंकि 199, कोई ट्यूशन फीस नहीं होती, कोई मटेरियल का फीस नहीं होता। ये एक तरीके से हम लोग का पूरा प्रयास है कि आप लोग को फ्री में ही चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएं। लेकिन फ्री में हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यूट्यूब पे चीज़ें अवेलेबल करवाऊँ या ऐप पे। लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चा ऐप पे बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्योंकि सब कुछ फोल्डर वाइज फोल्डर बना रहे, सब उसका एक बेहतर तरीके से स्पष्ट रूप से उसकी क्लासेस लगी रहे, कोई वहाँ पर एडवर्टीजमेंट ना आए, और ऐसी तैयारी करना चाहता है। मतलब अगर आप फ्री में कर रहे हो तो आप ऐड देख के या बाकी बच्चों के चैट से डिस्टर्बेंस क्यों। जब आप फ्रेशर होते हो तो आपको एक सही प्रॉपर मार्गदर्शन चाहिए होता है, और इसीलिए टीम परीक्षा ने दो चीजें, एक तो आपकी गंभीरता, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे फ्री चीजों की वैल्यू नहीं करते, हम कितनी भी उसके गुणवत्ता बढ़ा लें, लेकिन वो रहता है कि ये तो बस फ्री ही है, इसमें विश्वास नहीं बन पाता, और यही कारण है। ये आपकी गंभीरता शुल्क, और जो हम आपको एप्लीकेशन पे चीजें कराएंगे, एप्स पे कराएंगे, उस वजह से हमें उनको फीस देना होता है, वो हमारे जो रुपए चार्ज हैं, इसे आप चाहे हमारी फीस समझ लीजिए, चाहे आप जो भी समझना है वो समझ लीजिए, बट एक मिनिमम फीस में शायद कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो आपको इतनी मिनिमम फीस में आपको
आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है। लेकिन क्या केवल बैच से, जैसे कई बार जब होता है कि हम सर्च कर रहे होते हैं कि भाई हमें कोई बेहतर बैच मिल जाए, हम किस कहाँ पर खरीदें, कहाँ पर हम कोर्स से ज्वाइन करें, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि क्या यहाँ जुड़ने से मुझे फ़ायदा मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा, आपके तमाम प्रश्न होते हैं। क्या यहाँ से पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, क्या सर जो आप कह रहे हो उतना पढ़ा दोगे, यहीं से प्रश्न आ जाएगा, तमाम प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं और इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो कुछ प्रश्न तो आपके आते हैं कि सबसे पहली बात कि एनटीपीसी का कौन फॉर्म भर सकता है। देखिए, अगर आप 12वीं पास हो, 1/1/2025 आपका क्या होगा, एज क्राइटेरिया डेट होगा। लेकिन अगर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आप फॉर्म के लास्ट डेट तक, वैसे इस फॉर्म का लास्ट डेट अक्टूबर तक चलेगा, तो अक्टूबर तक मेरे ख्याल से इस सत्र का सभी का रिजल्ट आ चुका होगा। तो अगर आप 12वीं पास हो गए होगे, 12th का रिजल्ट आ गया है, तो आप अंडर ग्रेजुएट वाले पोस्ट पर भर सकते हो। और अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन भी पास कर ले हो, तो आप दोनों ही पदों पर भर सकते हो, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट वाले पे भी और ग्रेजुएट वाले पे भी, कुल मिला के आपके पास 11,500 पद रहेंगे। तो अगर बस आपके पास डिग्री हो और आपके क्या हो, आपकी एज 18 से 36 किसमें, ग्रेजुएशन कैटेगरी में, और 18 से 33 12th वाली कैटेगरी में है, तो आप इसका आवेदन कर सकते हो। और मेरे ख्याल से वो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाला बच्चा हो, चाहे EMRS NBS की तैयारी करने वाला बच्चा हो, चाहे UPSI ASI कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी करने वाला बच्चा हो, चाहे SSC CGL की तैयारी करने वाला बच्चा हो, या SSC के किसी भी संवर्ग में तैयारी करने वाला बच्चा हो, सबसे ज्यादा आप मुझे कमेंट करके बताइए, सबसे ज्यादा जरूरी आपको क्या है, क्या आपको SSC की नौकरी जरूरी है या नौकरी जरूरी है। आपको इससे मतलब नहीं है कि आपकी नौकरी अभी कहां लग रही है, जब आप बेरोजगार होते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपको कहीं भी नौकरी मिले, वो चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, वो चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, वो चाहे आपका यूपी पुलिस हो, या फिर किसी अन्य राज्य की पुलिस हो, या फिर आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो, आप जिस राज्य के हो, आपके लिए सबसे ज्यादा, आपके माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कोई भी नौकरी, और वो नौकरी तरीके से ली जा सकती है। इसलिए आप सभी का फॉर्म भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रश्न है तैयारी को कितना समय मिलेगा, तो तैयारी के लिए कम से कम आपका अगर पेपर देखा जाए तो ये पेपर फरवरी मार्च में जाएगा, तो कम से कम 2-3 महीना इधर है, 2-3 महीना इधर है, मिनिमम आप मान के चलो कि 6 महीने आपको NTPC एग्जाम के लिए समय मिलेगा, जिसमें आपका CBT 1 होगा, और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि CBT 1 चाहे ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हो, सभी के लिए CBT 1 सेम रहता है। हालांकि इस बार ये फॉर्म अलग अलग भरवा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन में कि सबकी CBT अलग रहेगी या सबकी CBT सेम रहेगी, बट अभी तक CBT 1 सबका सेम रहता है। तो आप समझो कि 12th वाले बच्चे का भी कंपटीशन क्या होता है, ग्रेजुएशन पोस्ट वाले बच्चे से होता है, इसलिए CBT 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 100 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट दिया जाता है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, जिसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, GK GS भी है, और आपकी साइंस भी है, सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ना है, तो एक कहीं ना कहीं कठिन टास्क है। तो CBT 1 इंपॉर्टेंट है, भले मार्क्स नहीं जुड़ रहा है, बट आप यहां पे जब आप मेरिट में आओगे तभी आप CBT 2 में जाओगे। अब रही बात क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो स्ट्रेटजी की मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। अभी आप ऐसा समझो कि आपके पास एक बेहतरीन कोर्स होना चाहिए, एक बेहतरीन आपके पास अध्यापक होने चाहिए जो आपके परिवार की तरह हो, और साथ में आपके पास वो सारे क्वालिटी कंटेंट होने चाहिए जो स्पेशली रेलवे NTPC के लिए बना हो। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि इस कोर्स में अगर मैं आपको किताब दे रहा हूं, मैं कोई चीज बोलता हूं तो ऐसे नहीं बोलता हूं, ये आपको मैं डेमो पर्पज से दिखाने के लिए, ये जो पूरा कोर्स है, इस पूरे कोर्स में आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, लाइव क्लासेस के साथ साथ उन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, साथ में आपको ये बुकलेट नोट्स दिए जाएंगे, जो नोट्स आपके इस प्रकार होंगे, ये आपका परीक्षा प्लस ऐप है, ऐसे आपको दिखाई देगा, और ये आपके नोट्स, जैसे मैथ्स को देखो कितना स्ट्रक्चरल वे में आपको अच्छे से सब कुछ समझाया गया है, ऐसे आप, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल कराया गया है। ऐसा नहीं कि कोई चीज इसमें आपको नहीं दी जाएगी, ये पूरा डेमो है, और ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स ही, आप साइंस का देखोगे तो साइंस का भी देखो, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी मीडियम हो, एक एक चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ बाय डिफिनीशन इमेज के माध्यम से सब कुछ समझाया गया, जहां से आपके प्रश्न सीधे परीक्षा में बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। जैसे डिस्टिलेशन वगैरह का ये क्वेश्चन जो होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया, ये चाहे आप वही नोट्स हिंदी में देखोगे कि बोर का मॉडल क्या है, मेंडलीव क्या है, प्लैंक कांस्टेंट क्या है, चाहे फिजिक्स हो, ये सारी चीजें आपको, चाहे बायो हो, सब कुछ आपको बहुत बेहतर तरीके से, और यही नहीं आपका पूरा GS का संभाग है, सब कुछ आपको बहुत
बेहतर तरीके से इस आपको नोट्स में दिया जाएगा। तो नोट्स के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस तो हो ही गई, इस रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, नोट्स हो गया, और जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके भी नोट्स मिलेंगे, साथ में आपके टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, टॉपिक टेस्ट हो गए, तो एक संपूर्ण आपकी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो प्रश्न आता है कहाँ से तैयारी करें, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप परीक्षा प्लस से जुड़ सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि 199 में आपका कुछ नहीं जाता है, बहुत मिनिमम प्राइस है, लेकिन मैं एक चीज आपसे वादा करता हूं कि जितना क्वालिटी हम दे देंगे, आप 500 700 800 1000 रुपए का बैच लेके देख लीजिएगा, 2000 में कोई पढ़ा रहा होगा, कोई ऑफलाइन 4000 दे लीजिएगा, अगर परीक्षा प्लस से क्वालिटी 1% भी ज्यादा हुई तो आपसे जो बोलेंगे आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी, वो मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपके मन में प्रश्न आता है ना क्या सर इतना पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, देखो बच्चों मैं बहुत क्लियर से बोलता हूं कि अगर जितना पढ़ा दिया गया वो आप मल्टीपल टाइम पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हम उसी आधार पे आपको पढ़ाएंगे, वही कंटेंट आपको देंगे जो आपके सिलेक्शन तक आपको पहुंचाए। और रही बात अगर कोई ये प्रश्न पूछता है कि केवल सर हम कोर्स से जुड़ जाए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं भैया, केवल कोर्स से जुड़ने सिलेक्शन नहीं होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे टीचर हैं, जो आपको बता रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्टिन्यूटी बनानी पड़ेगी, डेली बेसिस पे आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, जो रिवीजन कराया जाएगा रिवीजन करना पड़ेगा, जो टेस्ट कराया जाएगा आपको टेस्ट देना पड़ेगा, नोट्स दिए जाएंगे नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया जब करोगे, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, जो मेहनत किया है, नियमित रूप से किया है, निरंतरता बना के किया है, उसी का सिलेक्शन हुआ है। बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ा रश है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, आपके पास दो रास्ते हैं, डर के पीछे हट जाइए, फॉर्म ना भरिएगा, और अगर फॉर्म भर दिए हैं, अगर आपने 500 रुपए 250 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो आप फिर लग जाइएगा, आप जी जान लगा दीजिएगा, खुद को साबित कर दीजिएगा कि नहीं आपके अंदर वो ताकत है कि अगर सही दिशा सही मार्गदर्शन मिले तो मेहनत करने से। कई सारे बच्चे बोलते हैं मुझे वो बच्चा अच्छा लगता है जो बोलता है सर आप मुझे किताबें बता दीजिए, आप मुझे नोट्स बता दीजिए, आप मुझे कंटेंट बता दीजिए यहाँ से पूछा जाएगा और फिर मैं सिलेक्शन आपको लिख के दिखा दूंगा अगर वहाँ से पूछा गया। यही एटीट्यूड आपके अंदर भी होना चाहिए कि आपको पता है आप अर्जुन हो, आपके सामने लक्ष्य पता है, आपको ये पता है सिलेबस क्या है, आपको पता है नियमित रूप से कितना पढ़ना है, नहीं पता तो हम बताएंगे कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और अगर आप उतना पढ़ लो तो आपको खुद से वादा करना चाहिए कि हाँ सर मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा। तो आपका सभी का मैं इस नए बैच में स्वागत करता हूं भाई, कि जो आपके लिए बैच लाया गया है, ये आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करोगे, ये स्किल लिंक ऊपर आ रही है, आप यहां से भी लिंक पे जाके क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, इससे भी आप परीक्षा प्लस ऐप की लिंक है, और पहले से आपके पास परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल है, तो आप कहां पे जाओगे, आप जैसे ओपन करोगे आपका यहाँ पे बैनर पे भी दिखाई देगा एनटीपीसी 2.0, आपका पेड कोर्स में भी दिखाई देगा, पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रेलवे सेक्शन में आएंगे, ऊपर ये कई सारे कोर्स वाइज लगे हैं एग्जाम वाइज, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आरआरबी आएगा, आरआरबी पे क्लिक करेंगे एनटीपीसी आएगा, यहाँ पे बाई नाउ करेंगे, बाई नाउ पेमेंट करने के बाद आपका ओपन होगा, आपका लाइव सेक्शन होगा, यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, ये रिकॉर्डेड सेक्शन जो चीज क्लासेस हो जाती है रिकॉर्डेड, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, पीडीएफ नोट्स हैं, स्टैटिक जीके है, पूरा सिलेबस, करंट अफेयर्स, साइंस, टाइम टेबल, सब कुछ। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप होता है जहां पे आप जुड़ सकते हो, ऐसे आपका डाउट सेशन होता है कि आप कोई डाउट पूछ सकते हो, तो सारी सुविधाएं आपको इसमें दी जा रही है। ये आपका पूरा वैकेंसी चार्ट है कि आज आपके लिए जो वैकेंसी घोषित हो गई है, ये आपके पूरे के प्रूफ हैं, और इसके अतिरिक्त हम आपका प्रैक्टिस अभी से लेके चल रहे हैं। परीक्षा प्लस आपके यूट्यूब चैनल पे शाम को 6 बजे साइंस की क्लास लेके चलेंगे, 7 बजे रीजनिंग की क्लास, सॉरी 7 बजे जीके जीएस की क्लास लेके चलेंगे, 8 बजे 3 दिन शुरुआत के मैथ्स और अंतिम के 3 दिन आपके रीजनिंग, तो ये आपके 6, 7, 8 बजे की क्लासेस लगातार चलेंगी, और ये क्लासेस आपकी प्रैक्टिस भी। ऐसा नहीं है कि केवल हम पेड़ पढ़ा के आपको प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, लोग केवल इसी को बोलते हैं हम फ्री करवा रहे हैं, मैं आपको जो पेड बैच होता है वो आपको फ्री कर रहा हूं, और साथ में आपको ये क्लासेस तो अवेलेबल होंगी। तो भाई देर किस बात की, परीक्षा प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन वीडियोस को रिमाइंडर कर लीजिए, इनकी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और नीचे आपका एक विजिट आप सभी के नीचे विजिट वेबसाइट का लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे लाइव क्लास में पहुंच जाएंगे, आप ये भी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग ये जो आपको टीम मिल रही है इसमें देखिए
इंजीनियर आलोक शुक्ला, मैं खुद ही आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, आपको साइंस की प्रैक्टिस भी मैं ही करा रहा हूंगा, आशीष सर मेरे साथ के ही इंजीनियर हैं और ये आपको रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे, और उसके बाद आपके रमन सर हैं, बहुत बेहतर जीएस में नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहे होंगे, सर्वेश सर भी आपके एक्स एएससीआईए ऑफिसर हैं, एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड हैं, ये आपको जनरल अवेयरनेस कवर करा रहे होंगे, फहीम सर हो गए, नवीन सर हो गए, नवीन सर आपको पूरी साइंस कवर करा रहे होंगे, ज्योग्राफी कवर करा रहे होंगे, फहीम सर आपको हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह हो गया या और भी विषय हो गए, ये सारी चीजें आपको फहीम सर कवर करवा रहे होंगे। तो आप ये सोचिए 199 में आपको 6-7 टीचर मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर मिल रहे हैं और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। यही नहीं, एनटीपीसी के अलावा आप ग्रुप डी हो गया, जेई हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ हो गया, किसी भी बैच से जोड़ना चाहते हैं तो सारे बैचेस की फीस आप देखेंगे तो मात्र 199 रुपए ही रखी गई है, और ये केवल रेलवे वाले बच्चों के लिए मात्र कुछ दिन के लिए रखी गई है, इसके बाद ये फीस भी बढ़ जाएगी। ये आपके तमाम कैटेगरी के जो पोस्ट आते हैं जिसमें आपके CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग और CBAT होता है, ये आपको जानकारी बताई गई है। सिलेबस एक बार देख लीजिए, CBT 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट होता है, 40 GS, 30 मैथ, 30 रीजनिंग होता है, ये आपका क्या होता है क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग होता है, इसका मेरिट नहीं जुड़ता। CBT 2 में आपका GS में 10 क्वेश्चन बढ़ जाता है, मैथ्स में 5 क्वेश्चन बढ़ जाता है, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन बढ़ जाता है, कुल 120 क्वेश्चन, लेकिन समय आपका नहीं बढ़ता, इसलिए CBT 2 और मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे बच्चों के नंबर कम होते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा नंबर कम होते हैं, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में सब कुछ पूछा जाता है, लेकिन एक बात समझिएगा, कट ऑफ इसके आसमान छूते हैं, और अगर आप देखोगे कुछ हाईएस्ट जोन वाले जो कट ऑफ होते हैं ये वो हैं जहां पे 75-80 नंबर कट ऑफ जाता है 100 नंबर में से, 120 नंबर में से अगर बात किया जाए, ठीक है, और ऐसे यहां पे देखा जाए लोवेस्ट कट ऑफ जोन जो है वो आपकी ये लोवेस्ट कट ऑफ जोन है, जो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग कट ऑफ जोन मैंने आपको बता के रखा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसीलिए एक वीडियो में बता दी ताकि आपको एक बढ़िया एनालिसिस, बढ़िया ट्रस्ट भी बन सके। बाकी मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप वैसे जुड़ते हो तो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में मैं कोई भी प्रयास छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना पड़ेगा, हाँ सर मैं आपके साथ हूँ, तो मैं जो आप कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ, बस आपको सिलेक्शन चाहिए और मुझे सिलेक्शन दिलाना है, हम दोनों का रिश्ता यहीं से शुरुआत होगा और रिश्ता यहीं पर समाप्त होगा जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो मुझसे वादा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सबसे पहले तो खुद से वादा करेंगे, हाँ मैं इस बार सिलेक्शन लेके रहूँगा, और फिर एक वादा मैं आपसे चाहूँगा कि आप बैच में तभी जुड़ेगा, देखो मैं सबको नहीं जोड़ूंगा, मैं अभी बोलूंगा कि बैच में तभी जुड़िएगा जब मेरे साथ मेहनत करने के लिए आप कैपेबल। आप ये सोचिए कि 199 रुपए का एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपना करेंगे, तो भाई मत जुड़िएगा, कोई मतलब नहीं है, मुझे रुपए से प्यार नहीं है, मुझे केवल परीक्षा प्लस में नंबर ऑफ सिलेक्शन देना है, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देना है, सबसे गुणवत्तापूर्ण सिलेक्शन देना है, सबसे बेहतर स्टडी करवानी है। इस ध्येय से मैं इस बैच को लॉन्च किया हूं, इस ध्येय से मैं ये क्लासेस स्टार्ट किया हूं, और आप जब सीरियस होंगे, जब मुझसे वादा करने लायक होंगे, नहीं सर आप जितना करवाएंगे सब कवर करेंगे, आप कह रहे सिलेक्शन लेना तो मैं सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा, तभी आप बैच से जुड़िएगा, वरना आप बैच से मत जुड़िएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। बैच से जुड़ने के लिए फिर से बस बोलूंगा, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जुड़ जाएंगे, और लाइव क्लासेस में जुड़ने के लिए नीचे विजिट वेबसाइट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो लाइव क्लासेस से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद सभी का।